हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। एंड कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? वो भी अच्छी ही चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए बता देती हूँ कि आज की हमारी ये बीपीएससी का जो बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है उसकी लास्ट क्लास है। एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? रिलेशनल एलजेब्रा। क्योंकि जो हम एनसीईआरटी की अगर बात करें तो वहां पे आपका रिलेशनल एलजेब्रा अलग से मेंशन किया गया है, तो इसीलिए हम इस टॉपिक को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब इस क्लास के बाद आपके पास 2 दिन बचते हैं, उसके बाद आपका एग्जाम है, तो आप कोई नया टॉपिक मत छेड़िएगा। जितना आपने पढ़ लिया है केवल उसी का रिवीजन करना, क्योंकि अगर आप नया कुछ देखेंगे तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो इसीलिए अपना रिवीजन दे, एक दिन अपने सब्जेक्ट को दे, एक दिन अपने जनरल सब्जेक्ट को दे। अगर जनरल सब्जेक्ट भी एग्जाम में आ रहा है तो जनरल को भी दे। और आप अगर देखें कि चैनल के ऊपर एक रिवीजन नाम की क्लास है तो आप उसको भी देख सकते हो। उसके अंदर कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका रिवाइज एक रिवीजन लिया गया है। आई थिंक 4 घंटे की कुछ की वो क्लास है, तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हो, नॉर्मल मोड में भी देख सकते हो। आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। जो मेन मेन कीवर्ड्स है वो वहां पे डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए, इतना हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास रिलेशनल एलजेब्रा। अब रिलेशनल एलजेब्रा क्या है? रिलेशनल एलजेब्रा एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है। प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? तो देखो, दो टाइप की लैंग्वेज होती है, एक होती है प्रोसीजरल और एक होती है नॉन प्रोसीजरल। आपने C++ की क्लास देखी होगी, उसके अंदर दोनों में डिफरेंस भी बताया गया है। दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता भी होगा। अब यहाँ पे जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है उसका मतलब क्या होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सब कुछ डिफाइन होता है कि कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। रिलेशनल एलजेब्रा के अंदर कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो क्वेरीज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। अब ये जो रिलेशनल एलजेब्रा के ऑपरेटर्स है इनको हम जॉइन के साथ भी यूज कर सकते हैं। जॉइन कहाँ पे पढ़ा था आपने? SQL के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो SQL की क्लास देख लेना अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है जॉइन के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो सबसे पहली टाइप है सिलेक्ट ऑपरेशन, एंड इसे सिलेक्शन भी कह दिया जाता है। इन ऑपरेशन के बारे में आपको दो चीजें जरूर पता होनी चाहिए। पहली कि ये कहता क्या है, दूसरी इसका सिंबल क्या है। ठीक है, अगर आपको ये दो बातें भी पता है ना तो आप उन 4 ऑप्शन में से एक को सही टिक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, सिलेक्ट ऑपरेशन क्या कहता है? सिलेक्ट ऑपरेशन आपका टपल्स के ऊपर काम करता है। रिजल्ट में क्या देता है? वो आपको एक टपल देता है। डिनोट कैसे करोगे? सिग्मा से। ये जो सिंबल है इसका नाम क्या है? सिग्मा। नोटेशन क्या है? सिग्मा पी आर। सिग्मा यहाँ पे आपका सिलेक्ट ऑपरेशन हो गया, आर आपका यहाँ पे रिलेशन है, जिस भी रिलेशन के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो उस रिलेशन का ये नाम है। पी यहाँ पे आप किस बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हो, वो कंडीशन, वो ऑपरेटर, वो फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। समझ में आ गई इतनी बात? अब चलिए एक एग्जांपल से अगर हम समझे तो यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम की टेबल है। मेरे रिलेशन का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, उसमें यहाँ पे 3 चीजें मेंशन है। एक स्टूडेंट का नेम मेंशन है, उसके बाद उसके मार्क्स मेंशन है, और फिर उसकी क्लास मेंशन है। ठीक है, इतना मेंशन है। एक नाम मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, ए नेम है उसका, मार्क्स उसके आए हैं मान लीजिए 78, और क्लास है उसकी 12th। उस ऐसे ही आप और भी यहाँ पे एंट्री होंगी, हम एक को ही लेके चलते हैं। अब यहाँ पे मुझे ये जो एक एंट्री हुई है ना, A7812, मुझे ये देखनी है। मान लीजिए यहाँ पे टोटल 50 एंट्री है, लेकिन मुझे केवल यही देखनी है जो ए नाम की है, कि एक जिसका नाम है उसके कितने मार्क्स आए और वो कौन सी क्लास में है, आपको ये देखना है। तो अब आप इसके ऊपर सिलेक्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे? तो देखिए, इसके ऊपर सिलेक्शन ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप सिग्मा, सिंबल की नहीं लिखा है मैंने, आप सीधा सिग्मा लिख दिया है, आप सिग्मा वहां पे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद सिग्मा के बाद किसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो आप? नेम के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो, है ना, कि मुझे इसी नाम के बेसिस पे तो आप दिखाना चाह रहे हो, तो नेम दे दिया इज इक्वल्स टू, एक मिनट रुकिएगा, सिग्मा नेम इज इक्वल्स टू, उसके बाद हम लिखेंगे यहां
नेम क्या है, आप नेम देखना चाहते हो ए नाम पे, है ना। रिलेशन का नेम क्या है, स्टूडेंट है। रिलेशन का नेम क्या है आपका, स्टूडेंट है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे सिग्मा हटा देती हूँ एंड सिग्मा सिंबल बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये कमांड क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी एंड आपको ये एक टपल दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट ऑपरेशन की। अगर सिलेक्ट ऑपरेशन टपल्स पे काम करता है तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन आपका कॉलम्स पे काम करता है। सिंबल है इसका पाई, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑपरेशन आपको वो एट्रीब्यूट्स दिखाएगा, एट्रीब्यूट्स पे काम कर रहा है, वो एट्रीब्यूट्स दिखाएगा जो एट्रीब्यूट्स आप देखना चाहते हो। तो पाई के आगे A1, A2 ये सब क्या है, आपके एट्रीब्यूट्स है एंड R आपका क्या है, रिलेशन का नाम रहेगा। समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं पाई एंड लिखे नेम कॉमा मार्क्स, तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, आपको नेम्स की लिस्ट दिखाई देगी, मार्क्स की लिस्ट दिखाई देगी, क्लास नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया आपका, प्रोजेक्ट ऑपरेशन हो गया। उसके बाद चलिए बात करेंगे अब यूनियन ऑपरेशन की। यूनियन से क्या समझ में आता है, सब कुछ कंबाइन कर देगा, वही तो होता है यूनियन। किस पे काम करेगा, ये दो रिलेशन पे यहाँ पे काम करेगा। मान लीजिए दो रिलेशन आपके, एक है आर और एक है एस। तो अब दीज आर टू रिलेशन है यहाँ पे, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, इसको रिलेशन कर लेना। दीज आर टू रिलेशन आर एंड एस। अब आर एंड एस के ऊपर मुझे यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो आप कैसे अप्लाई करोगे, सिंबल क्या है इसका, यू, यूनियन सिंबल है। मेन बात याद रखना कि ये डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा, सिंगल ओरिजिनल एक ही रखेगा, डुप्लीकेट टपल्स को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। आपको आउटपुट में क्या शो होगा, आर में जितने टपल्स है वो, एस में जितने टपल्स है वो, और दोनों में जो कॉमन है वो, तीनों चीजें यहाँ पे आपको शो होंगी। समझ में आया। एक तरह से आर और एस दोनों टेबल्स को कंबाइन करके ये आपको दिखाई देगा, डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा। इसके लिए एक कंडीशन है, इसके लिए एक कंडीशन क्या है कि आर और एस दोनों में सेम नंबर ऑफ टपल होने चाहिए। अगर यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे भी टोटल टपल्स थ्री होने चाहिए, तभी आपका यूनियन काम करता है। समझ में आ गई बात। उसके बाद आती है सेट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल है ये उल्टा यू बना देना, एंड इंटरसेक्शन क्या करेगा, कॉमन वैल्यूज देगा। आपके पास दो रिलेशन आर और एस है, आर और एस में जो दो जो भी कॉमन टपल्स होंगे ना, उनको आपको शो करके देता है इंटरसेक्शन। सेट डिफरेंस, सेट डिफरेंस क्या करेगा, ये माइनस इसका सिंबल है। अब मान लीजिए दो टपल है आर एंड एस, और आपने अप्लाई किया है आर माइनस में एस, तो ये क्या करेगा, आर के तो सारे टपल शो कर देगा, R मतलब कि all tuples that are in R but not in S, मतलब कि R के सारे tuple show करेगा लेकिन common जो है दोनों में उनको हटा देगा। क्या समझ में आया, कि वे tuple जो दोनों में common है उनको remove कर देगा, and उसके बाद जो R में बचा वो यहाँ पे represent होगा। उसके बाद इसमें आता है Cartesian product, क्रॉस से आप इसको डिनोट करते हो। ये भी यूनियन की तरह कंबाइन करता है, लेकिन इसके अंदर ये डुप्लीकेसी को भी रिमूव नहीं करता। इसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि टपल सेम होने चाहिए। मान लीजिए एक के अंदर आपके तीन टपल है, दूसरे के अंदर टू है, ये क्या करेगा, टोटल सिक्स टपल आपको देगा, थ्री मल्टीप्लाई टू करके। उसके बाद लास्ट ऑपरेशन है इसके अंदर रीनेम ऑपरेशन, एंड रीनेम ऑपरेशन क्या करता है, आपका जो रिलेशन आया है आउटपुट का, जो रिलेशन आया है उसको रीनेम करता है। इसका सिंबल है ये जो पी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम है रो। क्या नाम है इसका, रो। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो कि हम रीनेम करना चाहते हैं स्टूडेंट रिलेशन को स्टूडेंट वन से, तो कैसे लिखोगे, रो स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट, पहले न्यू नेम फिर यहाँ पे ओल्ड नेम। तो ये क्या था, हमारी छोटी सी क्लास थी रिलेशनल एल्जेब्रा के बारे में। क्लासेस अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक कर देना, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे पर्सनल भी कोई भी डाउट है वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। तब थैंक यू।